हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं वर्सेस सुगंस। आज हम लोग का टाइटल है बेल्जियम गर्ल एंड पीपल क्रेजी रिएक्शन ऑन इंडिया स्कॉर्पियो। एंड ये जयसवाल भाई गए हुए हैं, मतलब इंडिया से लंदन के अंदर टूर है, बेल्जियम में पहुंच चुके हैं और उधर बेल्जियम की लड़कियों ने और मतलब बेल्जियम के लोगों ने रिएक्शन दिया है स्कॉर्पियो पर। स्कॉर्पियन बहुत एक कमाल गाड़ी है, कमाल कोई शक नहीं। तो देखते हैं क्या रिएक्शन था उनका, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 10 मिनट हुए गाड़ी को यहाँ लगाए हुए और लोगों के इतने क्रेजी वाले रिएक्शन आ रहे हैं ना, मैप को देख के और ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप लिखा हुआ है इसको देख के। हाँ ये देखो, ये लड़की रुकी ना भाई फोटो लेने के लिए, देख रहे हो अंकल आंटी भी पलट पलट के देख रहे भाई अपनी गाड़ी को। ये देखो, एक्सेप्ट कर लो भाई, स्कॉर्पियो अपनी तगड़ी है, अभी थोड़ी बिग डैडी बोलते हैं। अपनी इंडियन गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो को देख के भाई बेल्जियम के लोगों का मस्त रिएक्शन आ रहा है, ऐसे तगड़े वाला। होटल से भाई नजारा कुछ इस तरह से दिख रहा है पीछे की साइड का। हम कल पहुंच गए थे भाई शाम को बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में और बिल्कुल सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही हमने होटल लिया है, बहुत महंगे होटल से भाई साहब। यही रूम हमें 13,000 कुछ का पड़ा है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए भाई लेने ही पड़े। 2 सिंगल बेड लगे हुए थे और बाकी ये छोटा सा वो है, बाथरूम भी देखोगे कुछ खास बड़ा नहीं है, इधर नहाने का जो है भाई यही है। क्या पैसे भी ज्यादा दो और रूम भी छोटे छोटे। होटल के दरवाजे भाई देखना, ये वाली शर्ट मैं इंडिया से लेकर आया था, बट जो पैंट है वो मैंने यहीं से ली थी प्राइमार्क से। बाकी जूते तो आपको बहुत बार दिखाई चुका हूँ, वैसे ज्यादातर ये जूते मैं पार्टी के टाइम पे पहनता हूँ क्योंकि वाइट है ना तो सिटी एक्सप्लोर करने में गंदे हो जाते हैं, बट मैंने कहा आज इस वाली जींस के साथ यही जूते अच्छे लगेंगे। आपकी क्या राय है जरा बताना। होटल के बाहर देखो भाई, स्ट्रीट से निकले और बस ये चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ पे क्योंकि सेंटर पास में ही है, मैंने बताया। अभी मैं जा रहा हूँ भाई एक वोफल की शॉप पे क्योंकि बेल्जियम के वोफल भाई पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और अगर बेल्जियम आके वोफल नहीं खाए तो भैया फिर क्यों ही आए बेल्जियम, है ना। मैंने गूगल पे लिखा है बेस्ट वोफल नियर मी, तो वोफल फैक्ट्री करके आया ये 800 मीटर। यहाँ पे ना ये लाइम करके स्कूटर तो चलती है बट डॉट DOTT करके ना ये साइकिल भी चलती है, इनके वैसे स्कूटर भी है, तो इसका मैंने एक पास खरीदा भाई ये वाला। टोटल 1200 रुपीज का पड़ा है। अब इसमें लिखा है कि 30 दिनों के लिए ना अनलिमिटेड राइड्स है और पर राइड 30 मिनट तक चला सकता हूँ। ये बात मुझे सच सी तो नहीं लग रही क्योंकि इतना सस्ता तो नहीं हो सकता, बट मैंने ले लिया। अगर ये चीज सच हुई तो भाई आज के यूज करूंगा ये साइकिल, ऐसे भी इलेक्ट्रिक वाली है तो मस्त पूरा ब्रसेल्स घूम लूंगा इसी से। चलते है इसी में भाई पहले वोफल खाने के लिए, बाकी एक और नया दिन एक और नई जर्नी। आज है भैया 30 जुलाई 2023, मैं हूँ अभी बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में। आप देख रहे हो भाई मस्त लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। ट्रिप पे मैं निकला हूँ भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए। इस ट्रिप में भाई मैं कवर करूंगा 25 से ज्यादा कंट्रीज, 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचूंगा लंदन यूके में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई, आपको भी मजा आ रहा है वीडियोस में, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। इस वीडियो का लाइक है भाई 70,000 का, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार देना, 3 मिलियन घर पहुंचने से पहले करने। ये अच्छा भाई इसमें ना ये भी है, ये देखो लगाने का। अब स्टार्ट तो करा नहीं, स्कैन कर लेता हूँ पहले फटाफट, लेट्स गो। अच्छा तो अनलॉक करने के लिए 1 यूरो देने पड़ेंगे यानी कि 100 रुपए, उसके बाद 30 मिनट तक फ्री में चलाओ। ये सिस्टम भी हुआ वैसे तो ठीक है, फिर भी तो काइंड ऑफ आप समझ लो 100 रुपए दे रहा हूँ मैं 30 मिनट की राइड के लिए, जो कि भाई काफी सही है। लेट्स गो भाई, चला जाए इसको लेके, मजेदार है भाई। तो भाई ज्यादा एफर्ट्स मारने नहीं पड़ रहे इलेक्ट्रिक होने की वजह से ना, हल्के हल्के बस पैडल मार रहा हूँ ये देखो, और चलती जा रही है। ये जो वॉकिंग वाले एरिया होते हैं ना भाई, यहाँ पर आकर ना स्लो हो जाती है, ये कछुआ वाला मोड चालू हो जाता है 14 की स्पीड लिमिट का। ये देखो पूरा सिटी सेंटर है, यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स है और भीड़ भड़क का भी पूरा मिल जाएगा आपको यहाँ। आज संडे है भाई तो ज्यादा चीजें बंद रहती है पूरे यूरोप में, बट सिटी सेंटर हमेशा खुले रहते हैं। चलो जी, चलो पार्किंग मिल गई है जस्ट बिल्कुल शॉप के बाहर ही, ये रही वो फुल फैक्ट्री। ये देखो भाई इन्होंने जो है 1 ही यूरो काटा, हालांकि मैं 30 मिनट पूरे नहीं चलाए, 14 मिनट ही चलाए, पर मुझे पता है इस हिसाब से मैं ना वसूल कर लूंगा आज पूरे दिन में। भाई साहब इनके पास आइसक्रीम ही नहीं है वो फुल के साथ, ये क्या बात हुई बताओ, यहाँ तो मिलनी चाहिए आइसक्रीम। अब इसकी भी राइड मैंने ऑफ कर दी, पैदल ही जाना पड़ेगा अगले वो फुल वाले तक, वरना 100 रुपए कौन देगा आस पास ही। पूरे ब्रसेल्स की सबसे फेमस फ्रेंच फ्राइज की शॉप है एंड रेट आप देख सकते हो 3, 3.5 और 4, सबसे बड़े वाला है 4 यूरो, बट मैं छोटा ही लूंगा।
वन स्मॉल फ्राइज। लो जी लो अपने फ्राइज आ गए हैं, और ये जो ऊपर सॉस लगी हुई है ये है भाई अंदलूस करके। यस यूट्यूबर भाई एक्साइटमेंट में ना पागल हो गए हैं 2 मिलियन समझ के। और इन्होंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, कैश जो है वो यहीं पे डालना होता है पेमेंट करने के लिए। और ये सॉस के साथ भाई 4.5 यूरो के आए स्मॉल, यानी कि अराउंड 450 रुपए। वैसे फ्रेंच फ्राइज खाली 3 यूरो के थे। बाकी टेस्ट करूँ भाई कैसे है ये फ्राइज में? भाई ऑयल काफी ज्यादा है, बट ये जो ऊपर इन्होंने सॉस डाली है ना ये काफी टेस्टी है यार। बढ़िया है टेस्ट में तो सॉस ही मजेदार एकदम। भाई वीडियो में नहीं आ रहे, बढ़िया हैवी हो गया भाई सॉस की वजह से, पूरा नहीं खाया जा रहा। इसलिए कुछ कंट्रीज के लोग ना भाई इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बट यहाँ बेल्जियम के लोग बहुत फ्रेंडली है, हालांकि कैमरा में आने से शर्माते हैं। कल जब हम यहाँ पे एंटर किए थे ना भाई, उस टाइम पे मैंने स्कॉर्पियो साइड में लगा रखी थी, अभी से का वेट कर रहा था, वो खाना पैक करवाने गया था। भाई साहब इतने क्रेजी क्रेजी रिएक्शन आ रहे ना अपनी इंडियन गाड़ी स्कॉर्पियो है बेल्जियम में लोग देख रहे थे ना, तो आप वो वाली क्लिप्स देखो जरा कल की। भाई 10 मिनट हुए गाड़ी को यहाँ लगाए हुए, और लोगों के इतने क्रेजी वाले रिएक्शन आ रहे हैं ना मैप को देख के, और ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप लिखा हुआ है इसको देख के। अभी रुको आने दो, किसी को दिखाता हूँ फिर आपको। तो यहाँ सेट कर दिया भाई मैंने कैमरा, आप देखना जैसे कोई भी आएगा ना नजर पक्की बात है गाड़ी पे जाएगी जाएगी। ये देखना आप गाड़ी को सामने देखा, पे गाड़ी खड़ी है लेकर पोपट हो गए तो भाई। हाँ ये देखो ना भाई फोटो लेने के लिए तो चली गई, बट बिना फोटो लिए शायद चंद्र मैं बैठा था इसलिए ली नहीं उसने फोटो। ये देखो अंकल जी भी देख रहे हैं, देख रहे हो अंकल आंटी भी पलट पलट के देख रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को। ये देखो भाई पलट पलट के सब पलट रहे हैं भैया स्कॉर्पियन के आगे अपनी। अभी और लोग आ रहे हैं पीछे से, वो भी देखते हुए जा रहे हैं, बट अभी देखना आगे जाके फिर पलटेंगे। ये वाला ग्रुप देखना अभी, ये भी 100% है भाई पलटेंगे। देख रहे हो देख रहे हो बोला था वो लड़का पलटा, बट लड़कियां नहीं पलटी। एक्सेप्ट कर लो भाई स्कॉर्पियो अपनी तगड़ी है, एमी थोड़ी बिग डैडी बोलते हैं। नहीं रुक रही भाई बारिश, यहीं पे 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। घूमना नहीं छोड़ सकता इसलिए ये वापस से साइकिल ले रहा हूँ, छाता पकड़ के साइकिल चलाते चलाते पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ मुझे अभी जाना है फिलहाल, एंड वो जगह मैं मिस नहीं करना चाहता इसलिए चलते कैन वैन करूँ इसे और लेकर चलू। मैं निकल तो गया बट ध्यान नहीं दिया, 4 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर था, और अभी भी 5.6 किलोमीटर बचा हुआ भाई, और बारिश रुकी नहीं थी। ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, चिल्ड एकदम, मेरे को 2 बार छींके आ गई है, मैं सोच रहा हूँ ना ही जाऊँ यार, छोड़ो भाई बची हुई ट्रिप की भी ऐसी हो जानी है। अब तो कुछ नहीं है भैया, होटल ही चलता हूँ यहाँ से सीधा, खाना वाना रात को देखेंगे 10 बजे। लो भाई लो होटल आ गया है अपना, और इसमें देखो ऐसे ना लॉक लगा होता है, इसको निकाल के यहाँ पे फिट करना पड़ता है भाई, ताकि चोरी भी ना हो इनकी, और उसके बाद ही जो है वो राइड कैंसिल होगी। देखो अब करूंगा ना एंड राइड तो हो जाएगी, फोटो लेनी पड़ती है की सही जगह लगाई है, गलत जगह पार्क करोगे तो जो कार्ड आपने एड कर रखा है ना भाई 3 यूरो काट लेते हैं उसमें, बट मैंने सही जगह पार्क करी है तो सिर्फ 1 यूरो कटा। हाँ भाई साहब बहुत ठंड लग रही है सही में, उड़ी उड़ी भी नहीं पहन रखी थी मैंने, इतनी ज्यादा छीक आ रही हो बट निकलती अटक जाती आके। अभिषेक तो अभी आया नहीं है भाई, फंसा होगा वो भी बारिश में, जुकाम ना लग जाए। बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बट खाना खाना था इसलिए टेस्ट ऑफ इंडिया खाना सस्ता है भाई, में बहुत महंगा था, नॉर्मल सब्जी अपना वही 1300-1400 रुपए की, जबकि वहाँ पे 2000-2500 रुपए की थी, एंड रोटी भी 250 रुपए की है, वहाँ पे 400-450 की थी। वैसे कंपेयर किया जाए ना जर्मनी से या फिर अपना ये नेदरलैंड से सस्ता है। लो जी लो खाना आ गया है, क्वांटिटी एक बंदे के हिसाब से ही है, दो तो नहीं खा पाएंगे, चावल भी कमी है काफी। लो भाई रोटी भी आ गई है अपनी, अच्छा टेस्ट अच्छा चलो सुपर। सैलेड यार गलत ले लिया मैंने, टोटल 29 यूरो सब लाया, यानी कि 29। अभी मेरे पास ये लाइम स्कूटर के कुछ फ्री मिनट्स पड़े हुए हैं, नहीं मतलब खरीदे ही थे बट बचे हुए हैं, तो इसको लेकर चलते हैं भाई सिटी सेंटर में। देखे जरा चल के रात को क्या नजारे है, क्योंकि बारिश भी रुक गई है। रास्ते में भाई एक सेंट माइकल कैथेड्रल आया है, काफी पुराना कैथेड्रल है, और रात को वही लाइट वाइट जल रही है तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना देखो। और इसी के सामने स्कूटर की पार्किंग भी है, तो यहीं लगा दिया स्कूटर, थोड़ी देर ताड़ता हूँ बैठ के इसी को। और क्या भाई देखो गाड़ी चलाने के लिए और इन चीजों को ताड़ने के लिए तो आए ट्रिप पे। उधर लोगों ने देखा, ईरान गए उधर लोगों ने देखा, हर जगह पे लोग गाड़ी को देखकर मेड इन इंडिया गाड़ी और स्कॉर्पियो पिछला भी मॉडल बहुत मस्त था, लेकिन ये बहुत कमाल का मॉडल है यार सच में मैं बताऊं। और भाई की ट्रिप को भी सलाम भाई, लंदन इंडिया से सीधा लंदन रोड ट्रिप तो बहुत यार बड़ा जगरा चाहिए, इसमें कितना कितना खर्चा हुआ होगा भाई का। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, टोटल ट्रिप को आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बोलो क्या रखेगा तो यार।